अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ईट विद टेस्टी बैट। जी व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू की एक ऐसी सब्ज़ी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत ही झटपट से बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए जी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उस पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। सरसों का ऑयल है, आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलूओं को क्यूब्स में कट करके ऐड करा है और इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनके ऊपर एक हल्का सा ब्राउन सा स्पॉट नहीं आ जाता है। इससे हमारे जो आलू हैं उनको एक टेक्स्चर भी उनका मिलेगा और उनका फ्लेवर भी और इन्हेंस हो जाएगा। तो अब आलूओं को हम फ्राई करके साइड में रख लेंगे और इसका एक्सेस ऑयल निकल जाने देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू फ्राई करके निकाल लिए हैं और साइड में रख देंगे। अब उसी ऑयल में मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करा है। ज़ीरा जैसे ही चटकने लग जाएगा इसमें मैंने 10 से 12 करी पत्ते ऐड करे हैं। करी पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर ये मैंने एक मीडियम साइज़ की बारीक काटी हुई अनियन को इसमें डाल दिया है। अनियन को आपने तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता, ये पिंकिश ट्रांसलूसेंसी नहीं हो जाती है। अच्छे से फ्राई करना है आपने अनियन को, लेकिन डार्क नहीं होने देना है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिली ली थी जिसको बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 इंच के अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। इस रेसिपी में हम टमाटर या लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करा है, 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करा है जिससे हमारी सब्ज़ी को एक अच्छा सा कलर मिलेगा, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई धनिया ऐड करी है। आप चाहें तो धनिया का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए और फिर इसमें थोड़ा सा पानी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देंगे जिससे मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं और अच्छे से पक भी जाएंगे और ओवर कुक भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे लो फ्लेम में मसाले को पकाएंगे। देखिए वाटर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो चुका है, ऑयल सेपरेट होने लग गया है साइड से, और जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा इस पर गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इस पर मैंने 1 कटोरी दही ऐड करी है। दही को आपने बराबर कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि ये पक नहीं जाएगी और इससे पूरी तरह से ऑयल बाहर नहीं आ जाएगा, इसमें एक बॉयल नहीं आ जाएगा। तो कंटिन्यू आपने चलाते रहना है, बॉयल आने का वेट करना है। देखिए दही में बॉयल आना शुरू हो गया है और ऑयल भी पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो इसको चलाते रहेंगे और फिर इसमें हम अपने फ्राई किए हुए आलू को ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके रेडी होगी और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे आलूओं को मसाले के साथ अपने, जो हमने दही का मसाला बनाया है, और बस इसको कवर करके लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे जो आलू हैं वो सारा फ्लेवर मसाले का और दही का अपने अंदर ऑब्जर्व कर लें। और ये देखिए कितना अच्छा सा बॉईल आ रहा है हमारी ग्रेवी में। तो बस इसको हम 1-2 मिनट के लिए पैन को ओपन करके उसको भूनेंगे मीडियम हाई फ्लेम में। और फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करा है, इससे हमारे जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो और बढ़ जाएगा। और थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी क्रश करके ऐड कर दी है, इसको भी मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसके साथ भी पकाएंगे जिससे मेथी का फ्लेवर आ जाए और हमारे चाट मसाले का भी टेस्ट सब्ज़ी में पूरी तरह से आ जाए। अब मैंने चॉप की हुई हरी धनिया, फ्रेश हरी धनिया, वो ऐड कर दी है। और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी टेम्पटिंग सी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। और बस अब इसको हम गार्निश करें, प्लेटिंग करेंगे और फिर गार्निश करते हैं। 1 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे। और ये देखिए ना बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी है इसमें, ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनके हमारी रेडी हो गई है। ऊपर से कुछ धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे, साथ में कुछ कट की हुई जुलियन अदरक डाल देंगे। आई होप व्यूवर्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जी अगली रेसिपी के साथ, तब तक रखें अपना बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।